हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव सिंपल रेसिपीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कैरमल सिरप की रेसिपी, जो कि हम केक में यूज़ करते हैं और पुडिंग में भी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैरमल सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, शक्कर और पानी। तो हमने आधा कप शक्कर ली है और आधा कप पानी लिया है। एक पाउंड का केक बनाने के लिए इतना सिरप काफ़ी होता है। तो सिरप बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे शुगर। इसको भून लेंगे, पूरा गलाने तक इसको भूनना है हमें। अगर आपसे तेज आंच पर नहीं संभले तो मीडियम फ्लेम पर भी इसको भून सकते हैं। लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगी। तो ये देखिए, शक्कर हमारी काफ़ी गल चुकी है, इसको पूरा गलाना है हमको। तो ये देखिए, शक्कर हमारी पूरी तरह से गल चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो आधा कप पानी लिया था हमने, वो डाल देंगे। तो ये ऐसे पपड़ी सी निकल कर आएगी, इसमें एक लेयर निकल के आएगी। तो ये जो एक शक्कर की लेयर निकल के आई है, इसको हमको पानी में पूरा घुलने तक पकाना होगा। चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये जो शक्कर की एक परत बन गई थी वो अब घुलने लग गई है। पूरा घोलना है हमको इसको। तो देखिए, पूरी शक्कर की परत घुल चुकी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा झाग आने लगा है, और जब ये झाग बनने लगता है तब हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। तो हमारा कैरेमल सिरप बनके तैयार है, लेकिन अभी ये गर्म है, इसको हमको ठंडा करना होगा। इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे। हम इसको खाली कर लेंगे। ये सिरप अभी बहुत पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये थिक होता जाएगा और कैरेमल सिरप बनके तैयार हो जाएगा। इसको हमको 2 घंटे के लिए रखना होगा, उसके बाद हम इसका केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं, हमारा कैरमल सिरप बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं शिखा श्रीवास्तव फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।